हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे राजगौरव ब्लॉग्स। आज हम आए हैं अपने एक मित्र के स्कूल जिसका नाम है परिवर्तन दास स्कूल, जो कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे। इस लॉकडाउन दैट मीन्स कोरोना इफेक्ट के कारण पूरे भारत की सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। उसके कारण क्या क्या स्थितियाँ झेलनी पड़ रही है स्कूल को, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के संचालक दीपक कुमार और यहाँ के हेडमास्टर से भी आपको मिलाएंगे, जिनका नाम है राजू कुमार। तो चलते हैं आगे। यह स्कूल ग्रामीण परिवेश में है। आप देख सकते हैं कि जितने भी लीजेंडरी पर्सन हैं हमारे भारत के, उन सभी का फोटोग्राफ लगा हुआ है, लेकिन आंधी और बारिश के कारण उखड़ गया है। कोई भी संरक्षक, दैट मीन्स जो भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी होते हैं, उनको सही से आर्थिक अक्षमता के कारण, पेमेंट नहीं मिलने के कारण वो सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो मेंटेनेंस का काम नहीं हो पा रहा है। स्कूल की गाड़ी पीछे खड़ी है। आप आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। तो आप देखते हैं, ये है हमारे स्कूल का गेट, PTS परिवर्तन दास स्कूल। हर तरह का मेंटेनेंस का काम रुका हुआ है। इधर एक छोटा सा केबिन बन रहा था इन्वर्टर के लिए, वो भी मेंटेनेंस का काम रुका हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। हर तरफ कार्टून बना हुआ है बच्चों के लिए। मेनली यह स्कूल छोटे छोटे बच्चों के लिए है। अभी आप देखेंगे, ये प्रिंसिपल ऑफिस है। हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं काफ़ी उदास इस कोरोना इफेक्ट के कारण। पूरे भारत की स्कूल की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। अभी आपको हम क्लासेस दिखाएंगे स्कूल का, साथ में चलिए आइए। ये लॉबी है, दोनों तरफ पेंटिंग किया हुआ है। क्लासेस सभी अंधेरे में है। अंधेरा में रहने का कारण ये है कि स्कूल तो लगातार मिड मार्च से बंद है, लेकिन बिजली बिल चालू है और स्कूल आर्थिक अक्षमता के कारण अपना बिजली बिल भी नहीं दे पाया है। इसका कंप्लेन बार बार बिजली विभाग कर रहा है कि लाइट काट देंगे, इसलिए इधर का सेक्शन का सारा लाइट काटा हुआ है। ये प्ले सेक्शन है, इसमें छोटे बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। बिन बच्चों का स्कूल वैसा ही है जैसे बिन पेड़ों का जंगल, बिना जानवरों का जंगल। अब आपको हम मिलाएंगे इस स्कूल के युवा डायरेक्टर मिस्टर दीपक कुमार से, उनसे बात करेंगे इस कोविड इफेक्ट के बारे में, ये क्या परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। अब आप मिलेंगे हमारे परिवर्तन दास स्कूल के HOD डायरेक्टर मिस्टर दीपक कुमार से। नमस्कार सर, बताइए आप इस कोविड इफेक्ट के कारण, जिसके कारण कि पूरे भारतवर्ष का सारा शैक्षणिक संस्थान बंद है, इसमें आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सर, जैसा देखा जा रहा है, अभी मार्च महीने से पूरे भारत का विद्यालय जो भी अभी बंद है जी। इसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग का जो गाड़ी का EMI है, या फिर हम कर सकते हैं हम लोग का जो इलेक्ट्रिक बिल है, प्रत्येक महीने देना होता है। हालांकि अभी गाड़ी का तो EMI अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है, बट इलेक्ट्रिक बिल जो है, जो हमारे विद्यालय का आता है, वो प्रत्येक महीने भेजा जा रहा है। और उसमें ये भी भेजा जा रहा है, यदि बिजली बिल जमा ना करें तो आपका बिजली भी कट कर दिया जाएगा, साथ में रेंट होगा। हाँ, हम लोग का इसे में बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगा। और रेंट तो है ही है, वो तो जो मालिक है हमारे स्कूल के, जो विद्यालय के जो मालिक है, जिनका ये विद्यालय, ये मकान जो है, मकान मालिक जो है, वो भी कम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उनको भी प्रत्येक महीने रेंट चाहिए। और हो सकता है उन्हें भी लोन लिया हुआ हो बिल्डिंग बनाने के लिए। हाँ, वो तो उनका भी बहुत सारा उनका भी मैटर होगा। और साथ में ये है कि जो भी बच्चे के जो अभिभावक है, जिनके यहाँ ओल्ड ड्यूज है, या फिर यूं कहें कि जिनका रोजगार इस कोरोना में चलता रहा, या फिर जो जॉब में है, जिनको पेमेंट सैलरी मिलता रहा है, कम से कम वैसे गार्जियन जिनका सब कुछ सही रहा है कोरोना काल में, कम से कम वो लोग विद्यालय में आकर के बच्चों का जो भी पेमेंट है वो क्लियर कर दें, पुराना वाला भी। और इसी तरह बहुत ज्यादा समस्या, एक ऐसा है कि दिन भर मन नहीं लगता है बच्चों के बिना। और भी एक समस्या है सर, जिसके बारे में शायद आप
अवगत नहीं है, जिस ईएमआई की बात कर रहे हैं गाड़ी का ईएमआई की, वो नहीं लगेगा, अभी नहीं लग रहा है। लेकिन तो उसको वो टोटल करके, टोटल करके ये एक तरह से एक नया लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट उसका अलग से बोला गया है कि इंटरेस्ट अलग से लगेगा। तो बात तो कुल मिलाकर के हमारे ऊपर ही आ गई, कहने का मतलब हुआ कि अभी नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो इंटरेस्ट के साथ साथ लगेगा। साथ में एक और समस्या ये है कि जो गाड़ी का फिटनेस होता है, जी गाड़ी का फिटनेस हो गया, पॉल्यूशन हो गया, उसकी उसका एक टाइम निश्चित होता है, वैलिडिटी उसका खत्म होता जा रहा है, वो वैलिडिटी खत्म होता जा रहेगा, उसका भी टैक्सेस फिर से देना होगा हमें। गाड़ी जो होता है ना कि गाड़ी अभी बंद है, तो जब चालू होगा तो कुछ होता है, ऐसा होता है कि जब गाड़ी भी बंद रहती है, जब उसको अचानक चालू करिएगा तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बैटरी शट डाउन हो जाता है। अपना मैजिक अभी चालू किया तो उसका जो है कभी लाइट ऑन नहीं हो रहा है, कुछ है उसका, उसमें बहुत सारा फॉल्ट आ गया है। फॉल्ट का कारण ये है कि उसके अंदर चूहा वगैरह अपने से घुस करके तार वगैरह वायर वगैरह काट दिया होगा, वो तो चेक करना पड़ेगा, उसका भी खर्च बहुत सारा, मतलब समस्या ही समस्या है। और आपको मैं बता दूं कि ये स्कूल मात्र एक साल पुराना है और इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप डाला था। ये स्कूल बिनार मोड़ पे है जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, और बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहा था, बहुत बच्चे जुड़े थे। और स्टार्टिंग में जब स्कूल को स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, खैर वो तो अनदर मैटर है। ये एक काम किया गया था जनसेवा के लिए, लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं जो जिनका रोज़गार खत्म नहीं हुआ है, जिनको सैलरी मिल रहा है, उन्हें चाहिए कि स्कूल में आएँ और पेमेंट जमा करें। अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, उसके बाद आप सोच नहीं सकते हैं कि पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी गर्त में जाएगी, क्योंकि अभी के समय में भारतीय शिक्षण व्यवस्था पूर्णतः प्राइवेट यानी निजी विद्यालयों पे ही आधारित है। तो इसका भी बहुत दूरगामी, बहुत खराब प्रभाव आएगा। तो फिर पुनः अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अगर इस लायक हैं कि स्कूल का फी जमा कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप आइए विद्यालय में और स्कूल का फी जमा कीजिए और अपने विद्यालय पे विश्वास रखें। जब विद्यालय खुले आप विद्यालय चेंज ना करें, बहुत खूबसूरत विद्यालय होता है, हर विद्यालय बहुत खूबसूरत होता है, और अपने विद्यालय को सपोर्ट करें, अदरवाइज पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और जो भी हमारे वीडियो देखें उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और निजी विद्यालयों को सपोर्ट करें। धन्यवाद।